जितने भी लोग यहाँ पे आसपास सबको दिख रहे हैं ना, सब मुझे घूर रहे हैं, घूर कर देख रहे हैं कि भाई ये बंदा कर कर रहा है, इसके हेलमेट में क्या लगा हुआ है। दोस्तों अभी अपन पहुँच गए हैं खाजेडी, और खाजेडी में यहाँ पे ब्रिज मार्केट लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे सब्जी का मार्केट लगा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, किस टाइप का यहाँ पे सब्जी का बाजार लगता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाय हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्रीकाल आदाब, तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अभी अपन आ गए हैं खाजेडी की ब्रिज मार्केट, और आपको हम दिखाते हैं कि खाजेडी में जो ब्रिज मार्केट है किस टाइप का लगता है और कैसा है ये यहाँ का दृश्य। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। झूला क्या रुपये का बोला निकलो ना एक लिया, यहाँ अपन थैला ले लिए है, और अपन चलते हैं सब्जी लेने के लिए। चलिए यहाँ पर देखिए कपड़े का भी दुकान लगता है, राइट साइड में गुड़ का दुकान है, यहाँ पे सारे मसाले मिलते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मार्केटिंग करने के लिए आए हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा रश है, अपन हेलमेट को नीचे कर लेते हैं क्योंकि मास्क लगा के तो आए नहीं अभी, और हेलमेट ही हमें बचा सकता है कोरोना से। इधर चलते हैं, यहाँ पर तो किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, सब लोग कोरोना को चुनौती दे रहे हैं। मैं वैसे हेलमेट लगाया हुआ हूँ। कितना है साग? 30 रुपये मुट्ठी किलो। कहीं पे ननवा लेते हैं। परवल फिर पूछते हैं कैसे हैं परवल। और यहाँ पे आपको बहुत सारी सब्जियाँ मिल जाएगी जो कि आमतौर पर अपन यूज करते हैं अपने घरों में, ये लेकिन व्यापारी है इसे मत लीजिए, जो लोग गांव में उपजाता है ना उससे लेते हैं। यहाँ पे है गंदे से परवल, परवल यहाँ पे है, देखिए ना इसके पास आलू रखा हुआ है, इसका मतलब वो व्यापारी होगा, उसके पास नहीं लेंगे। क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत लोग व्यापार करते हैं सब्जी का, और उसके पास जो सामान होते हैं ना अच्छा नहीं होता है। चलिए यहाँ पे देखिए मछली भी मिलती है और मुर्गा भी मिलती है, आइए ना। यहाँ इसमें परवल है, पूछे ना कैसे है परवल, कैसे है वो? कहना चाहिए परवल 50 रुपये के जी परवल। अच्छा लो लीजिए, दिए ना हाफ के जी देना। ले चलते हैं अपन और ओल ले लेते हैं। कितना छो ओल? 30 रुपये किलो है। दे देना एक किलो दिए ना। यहाँ पे ओल देखिए 30 रुपये किलो मिल रही है, और जितने भी लोग यहाँ पे आसपास सबको दिख रहे हैं ना, सब मुझे घूर रहे हैं, घूर कर देख रहे हैं कि भाई ये बंदा कर कर रहा है, इसके हेलमेट में क्या लगा हुआ है। यही होता है जब आप गांव में ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हो ना, तो सब लोग आपको घूर के देखते रहते हैं, क्योंकि ये जो ब्लॉगिंग का जो कल्चर है ना अपने इंडिया के जो गांव घर है वहाँ पे नया है। लिया पैसा दयानंद, दयानंद राम ना देखे ना यहाँ पे। हाँ मास्क लगा लीजिए, मास्क का प्रयोग जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है ना। चलो ना।
कुछ करना है, प्याज प्याज 45 रुपए, आलू चलिए। अपन हेलमेट का जो शीशा है ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और सामने जो दिख रहे हैं आप, आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं ना, इधर मिलते हैं कपड़ा और मसाले जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट लगता है ये। वैसे आज बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी हुई थी ना, इसीलिए भीड़ कम है, वरना यहाँ पर ना पैर रखने का जगह नहीं होता है इस ब्रिज मार्केट के अंदर। और ये जो मार्केट है वह ब्रिज मार्केट है, ये खाजेडी के अंदर है। और खाजेडी में वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ का जो गांव का हटिया इसको कहते हैं, ब्रिज मार्केट जो है काफ़ी फेमस है इस एरिया के अंदर। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं सब्जियाँ लेने के लिए। कहाँ पे चलिए ना, उसके पास से चलते हैं, इसको चलिए ना। कहाँ पे चलिए ना, उसके पास और मैंने अभी सब्जी ले ली है। और यहाँ पे देखिए वो सारे मसाले मिल रहे हैं जो कि लोग यूज करते हैं खाना बनाने में। और बगल में देखिए बहुत सारे सामग्री मिल रहे हैं जिससे कि खेती बाड़ी होती है। और अपन यहाँ से फिलहाल बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग गाड़ियाँ खड़े किए हैं और साबुन सर्फ ये सारा चीज़ बेच रहे हैं। आगे अपने बाइक के पास। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। फिर मिलता है एक नए वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए एज ऑलवेज राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, वंदे मातरम।